प्रीवियस मीटिंग में हम लोग एग्जांपल नंबर 8 कर रहे थे। एग्जांपल नंबर 8 में हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, और लैम्डा की रियल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, और लैम्डा की रियल वो वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी जिन वैल्यूज़ के केस में आपको ये जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन जो है वो दिया गया है, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इसका जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल बनता है। तो हम लोग ने ये चेक करना था कि लैम्डा की कौन सी रियल वैल्यूज़ हों जिन वैल्यूज़ के केस में आपको ये जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है इसका सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल होता है। तो हम लोगों ने जो कंसिस्टेंसी क्राइटेरियाज पढ़े थे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन केस में, वो ये था कि जब भी आपको कोई होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया हो, मीन ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो उसका सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल जो है वो तब बनता है जब जो मैट्रिक्स ए होता है, जिसको हम मैट्रिक्स ऑफ ऑप्शंस बोलते हैं, उसकी रैंक जो वो नंबर ऑफ अननोन से जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो लेस हो, उसमें आपका जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसका सोल्यूशन जो होता है वो नॉन ट्रिवियल होता है। तो ये वाली कंडीशन लगाते हैं, हम लोगों ने चेक करना था कि ये वाली कंडीशन लगाते हुए लैम्डा की कौन सी वैल्यूज जो है वो होती हैं जिनके केस में ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हो तो हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले। तो वो वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड करनी थी लैम्डा की, ये वैल्यूज जिनके केस में ये वाली कंडीशन जो है बनती है, और हमें बताना था कि इन वैल्यूज के केस में जो है वो हमें जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसका सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल बनता है। तो रैंक क्योंकि इन्वॉल्व होती है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में मैट्रिक्स ए की, और सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें मैट्रिक्स ए को जो है वो रिड्यूस एक्शन फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, तो सोल्यूशन हम लोगों ने जो है वो उसका फाइंड आउट भी करना था। तो हम लोगों ने क्या किया, सोल्यूशन फाइंड आउट करने वाले प्रोसीजर से स्टार्ट किया ताकि हमें सोल्यूशन भी मिल जाए, और इन दिनों हमें ये पता चल सके कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के केस में जो है वो हमें सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल मिलता है, मीन्स मैट्रिक्स ए की रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन से जो है वो कम हो जाती है। तो नंबर ऑफ अननोन हमारे पास 3 है, इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए की रैंक जो है वो 3 से कम होनी चाहिए। तो लैम्डा की जिन वैल्यूज के केस में मैट्रिक्स ए की रैंक जो है वो 3 से कम होगी, स्ट्रिक्टली कम होगी, लैम्डा की उन वैल्यूज को केस में कहेंगे कि मैट्रिक्स हमारा जब हमें जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है लैम्डा की उन वैल्यूज के केस में हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो देता है। तो सॉल्यूशन फाइंड किया था, मैट्रिक्स ए लिखा था, मैट्रिक्स ए को जो है हम लोगों ने जो है इन दी एंड रो ऑपरेशन लगाते हुए रिड्यूस एक्शन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था, और ड्यूरिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन एंड और क्या लिया कहना ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर हम लोगों ने जो है वो ये कंडीशन लगाई थी लैम्डा के ऊपर रो ऑपरेशन लगाते हुए कि 1 माइनस लैम्डा जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका मतलब ये है कि 1 माइनस लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि लैम्डा जो है वो 1 के इक्वल नहीं होगा। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि हमने ये जो है वो 1 को जो है अपनी रियल नंबर की जो वैल्यूज थी उनमें से निकाल दिया था, तो 1 के अलावा जो लैम्डा की वैल्यूज थी उनको जो है वो माइंड में रखते हैं। हम जो है वो ये देख रहे थे कि 1 के अलावा कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं कि जिनके केस में हमारा सिस्टम जो है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है हमें दे सकता है। क्यों 1 के अलावा, क्योंकि हमने अपनी कैलकुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए रिड्यूस एक्शन में ट्रांसफॉर्म करते हुए मैट्रिक्स को हम लोगों ने दरमियान में ये कंडीशन इम्पोज कर दी थी कि लैम्डा जो है नॉट इक्वल टू 1 है, मीन्स लैम्डा की जो रियल वैल्यू है 1 की नहीं यहाँ पे हमने कंसिडर की, 1 के अलावा जितनी भी रियल वैल्यूज हैं वो सारी कंसिडर की हुई हैं, और जितनी भी 1 के अलावा सारी वैल्यूज कंसिडर की हुई हैं। अब उन वैल्यूज के हम लोगों ने चेक करना है कि उन वैल्यूज में कौन सी वैल्यूज हो सकती है जिनके केस में जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन से कम हो जाए। अगर ऐसी वो लैम्डा की कोई वैल्यू मिल गई हमें 1 के अलावा, तो उस वैल्यू के हम क्या कह सकते हैं कि उस वैल्यू के ऊपर जो है हमें हमारा सिस्टम जो है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो देता है। तो जब हम लोग ने 1 की वैल्यू जो है 1 के अलावा कंसिडर करते हुए अपने मैट्रिक्स को जो है वो रिड्यूस एक्शन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमें पता चला कि अगर यहाँ पे अगर लैम्डा की वैल्यू जो है वो अगर हम 10 कंसिडर कर लें, 10 कंसिडर करने से क्या होगा, ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। जब ये वाली टर्म जो है वो 0 कंसिडर हो जाएगी तो इन दी एंड जो मैट्रिक्स ए है उसमें नंबर ऑफ रोज नॉन जीरो रोज हैं वो कितनी रह जाएंगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रिड्यूस एक्शन फॉर्म में जो है वो 2 रह जाएंगी। इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है आपके पास क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी, और रैंक 2 कहाँ बन रही है, जब लैम्डा की वैल्यू जो है वो 10 कंसिडर की हुई है, उन सब वैल्यूज में से 1 जो 1 के अलावा थी, 1 के अलावा जितनी भी वैल्यूज हम लोगों ने कंसिडर की हुई हैं ड्यूरिंग दिस कैलकुलेशन, उन सभी वैल्यूज में 10 ही ऐसा नंबर मिल रहा है। अगर हम 10 को अगर कंसिडर कर लें लैम्डा की एज ए लैम्डा की वैल्यू, तो जब हम 10 को एज ए लैम्डा की वैल्यू कंसिडर करते हैं तो जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है वो 2 बन जाती है, जो कि स्ट्रिक्टली लेस देन है नंबर ऑफ अननोन से। तो 1 के अलावा लैम्डा की जितनी भी रियल वैल्यूज हैं उनमें सिर्फ 10 ही ऐसी वैल्यू मिलती है जिसके केस में जो है वो
मैट्रिक्स ए की रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन से जो है स्ट्रिक्टली लेस हो जाती है। इसका मतलब अगर लैम्डा की वैल्यू जो है वन वन के अलावा वन को अगर ना कंसिडर किया जाए, बाकी सारी रियल वैल्यूज को कंसिडर किया जाए, तो लैम्डा की वैल्यू अगर 10 हो तब हमारे पास जो सिस्टम बन जाता है उसका जो सोल्यूशन बन होता है वो नॉन ट्रिवियल होता है। अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो सकता कौन सा है, या सोल्यूशन है क्या नॉन ट्रिवियल, हम जब क्या करेंगे लैम्डा की वैल्यू 10 इस मैट्रिक्स में पुट करके अपने मैट्रिक्स को जो है लैम्डा की वैल्यू 10 के केस में जो है वो रिड्यूस एक्शन फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देंगे। लेकिन याद रखें ये वाला मैट्रिक्स हमें तब मिला है जब वन माइनस लैम्डा जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, लैम्डा जो है वो नॉट इक्वल टू वन है। जब लैम्डा नॉट इक्वल टू वन हो तब जो है लैम्डा की वैल्यू जो है अगर 10 हो तभी जो है हमें नॉट इक्वल सॉल्यूशन जो मिलता है। वो सॉल्यूशन क्या होता है, हम जब भी अपने मैट्रिक्स को जो है वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलता है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की रिड्यूस एचेलॉन की फॉर्म में, उस मैट्रिक्स को देख के हम जो है वो इक्वेशन बनाते हैं। उन इक्वेशन में जो है अननोन की वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं और जो अननोन की वैल्यू हमें मिलती है वहाँ में जो सोल्यूशन मिलता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। अब ये हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है क्योंकि मैट्रिक्स ए की रैंक जो है वो क्या है नंबर ऑफ अननोन से कम है। नॉन ट्रिवियल क्यों आ रहा है आप इस वजह से भी जज कर सकते हैं कि आपको जो है वो सारे अननोन की जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू जो नहीं मिलेंगी बल्कि कुछ एक दो अननोन की वैल्यू जो है वो बाकी अननोन के इन टर्म्स जो है वो आपकी मिलेंगी। जैसे आप यहाँ पे देखें तो एक्स वन की वैल्यू भी आपको यहाँ से क्या मिलेगी 2x3 मिलेगी और एक्स टू की वैल्यू भी आपको जो है 2x3 मिलेगी और एक्स थ्री की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको यहाँ से। तो दो अननोन की वैल्यू जो है वो किसी एक या बाकी अननोन के इन टर्म्स में मिल रही है तो जो किसी एक या एक से ज़्यादा भी आपको बाकी अननोन जो है बच सकते हैं। तो जितने भी अननोन के इन टर्म्स आपको वैल्यू मिल रही होती है अननोन की वैल्यू उनको उसको जो हम आर्बिट्रेरी कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से हम कंसिडर करते हैं क्या जो एक्स्ट्रा अननोन जो कि राइट हैंड साइड पे इन्वॉल्व हो रहा है जिसके इन टर्म्स हमें आंसर मिल रहा है, जैसे कि एक्स थ्री के इन टर्म्स हमें एक्स वन एक्स टू की वैल्यू मिल रही थी, तो जो जिनके जिन अननोन के इन टर्म्स हमें आंसर मिलता है उसको कोई ना कोई रियल नंबर सपोज कर लेते हैं, आर्बिट्री रियल नंबर है वो वाला। उसके बाद आप अपना आंसर ले लेते हैं कि एक्स वन की वैल्यू जो कि 2x3 थी वो क्या बन जाएगा 2a बन जाएगी, एक्स टू की वैल्यू भी 2x3 थी वो वैल्यू आपकी बन जाएगी वो 2a बन जाएगी और एक्स थ्री हम लोगों ने क्या किया a कंसिडर किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो इनफिनिट सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे जिसको हम जो है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है एक अननोन जो है उसकी वैल्यू हम लोगों ने आर्बिट्री कंसिडर की हुई है। तो लैम्डा की वैल्यू अगर वन ना हो, वन के अलावा जितने भी रियल नंबर अगर हम उनको देखें तो उन सारे नंबर में लैम्डा की वैल्यू अगर 10 हो तो तब हमें जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो मिलता है। अब बात आ जाएगी वन की कि हम लोगों ने वन के अलावा सारे नंबर चेक किए हैं तो वन के अलावा जितने भी रियल नंबर होते हैं उनमें सिर्फ 10 ही ऐसा नंबर मिलता है जिनके ऊपर में जिसके ऊपर में जो है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो ये तो होगा वन के अलावा वो वाले नंबर जिनके ऊपर हमें जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है और वन के अलावा वो नंबर जिसके ऊपर हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है वो 10 ही है। तो अगर हम वन के अलावा की बजाय अगर सिंपली हम जो है सिर्फ वन की बात करें क्योंकि हमने पहले वन के अलावा नंबर्स की बात की है, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू वन का मतलब ये है कि वन के अलावा नंबर जितने भी नंबर हैं उनकी बात की थी उन नंबर में सिर्फ 10 पे ही नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। तो अगर हम वन के अलावा की बजाय वन की बात करें कि अगर वन लैम्डा हमारे पास हो तो उस केस में जो है हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, तो लैम्डा अगर हमारे पास जो है वन हो तो हम जो है क्या करेंगे अपना जो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने वाला प्रोसीजर है वो क्या करेंगे वो यहाँ तक जो है ख़त्म कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया कंडीशन लगाई हुई कि लैम्डा हमारे पास जो है वो नॉट इक्वल टू वन है। लेकिन अभी फिलहाल जो हम जो केस कंसिडर करने लगे हैं वो ये कंसिडर करने लगे हैं कि लैम्डा हमारे पास जो है वो इक्वल टू वन है। तो लैम्डा हमारे पास इक्वल टू वन कहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक ही हो सकता है। इसके बाद लैम्डा हम लोगों ने नॉट इक्वल टू वन जो है कंसिडर कर लिया था तो लैम्डा इज इक्वल टू वन यहाँ तक ही हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे अपने जो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने वाला प्रोसीजर है वो लैम्डा इज इक्वल टू वन के केस में यहाँ तक रखेंगे, उसमें लैम्डा इज इक्वल टू वन जो है वो पुट करके देखेंगे कि इन दी एंड हमारा आंसर जो है वो क्या आता है। लैम्डा इज इक्वल टू वन पुट करेंगे या फिर हम ये पुट करेंगे वन माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो वन लैम्डा इज इक्वल टू वन या वन माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो एक ही बात होती है। तो ये जो है वो हम इस मैट्रिक्स वन में जो है वो पुट करेंगे और पुट करेंगे जब हम तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लैम्डा इक्वल टू वन पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा टू माइनस वन वो टू, ये आपके पास आ जाएगा वन बाई टू आ जाएगा। यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू वन पुट करेंगे या वन माइनस लैम्डा जीरो पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे भी अगर आप लैम्डा इक्वल टू वन पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो या वन माइनस लैम्डा जीरो पुट करेंगे तभी आपके पास आंसर जो है वो जीरो ही आ जाएगा। तीसरा कलम आपके पास बन जाएगा वन बाई टू जीरो जीरो, ये वन माइनस लैम्डा ये भी जीरो बन जाएगा, ये वन माइनस लैम्डा ये भी जीरो बन जाएगा। तो आपको जो इंडियन मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, पहला कलम होगा वन जीरो जीरो,
दूसरा कलम भी आपके पास होगा 100 और तीसरा कलम आपके पास जो है ये वाला होगा 1/200। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर वन से जब आप लैम्डा इक्वल टू वन कंसिडर करेंगे तो आपको जो इन दी एंड मैट्रिक्स मिलेगा ट्रांसफॉर्म फॉर्म में, वो आपके पास जब ये वाला मिलेगा, ये आपके पास रिड्यूस एचलॉन फॉर्म की ही बन रही है। तो यहाँ पे भी अगर आप मैट्रिक्स ए की रैंक देखें, क्योंकि ये हमने ए को ट्रांसफॉर्म करके जो है इस फॉर्म में लिखा है, लेकिन लैम्डा इज इक्वल टू वन के केस में लिखा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1 - लैम्डा इज इक्वल टू 0 के केस में ये वाला लिखा है, तो ये आपके पास जो है वो ए की ही रिड्यूस एचलॉन फॉर्म बन रही है लैम्डा इज इक्वल टू 1 के केस में। और देखें यहाँ पे अगर आप मैट्रिक्स ए की जो है रैंक निकालेंगे इसकी रिड्यूस एचलॉन फॉर्म को देखते हुए, तो वो मैट्रिक्स ए की रैंक आपको क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, जो कि स्ट्रिक्टली लेस देन है नंबर ऑफ अननोन जो कि 3 से है। तो इसका मतलब ये है कि जब लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो तब भी आपको जो है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो मिलता है, क्योंकि तब भी जो है वो मैट्रिक्स ए की रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन से जो स्ट्रिक्टली लेस ही आती है। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, फिर हम वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो भी आपको मिलेगा वो आप जो फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन, जब आपको रिड्यूस एचलॉन फॉर्म जो है मिल जाएगी, उसमें जो अननोन नॉन जीरो होती हैं उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, उसमें फिर जो है पहला अननोन है उसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जो पहला अननोन होगा आपको उसकी वैल्यू मिलेगी x1 = -x2 - 1/2x3, आपको यहाँ से मिलेगी x1 की वैल्यू। ठीक है, इसको दूसरे साइड पर ले जाने के बाद, क्योंकि और कोई इक्वेशन नहीं मिली आपको मिलेगी, तो यहाँ पर जो राइट साइड पर जितने भी अननोन इन्वॉल्व हो रहे होंगे ये इनको क्या करेंगे हम आर्बिट्री वैल्यू जो है वो अलाइन करें, जो है वो आर्बिट्री वैल्यू जो है इनको हम जो है वो असाइन करेंगे। तो जो x2 है उसको भी हम कोई आर्बिट्री वैल्यू दे देंगे, लेट्स से x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है वो b है, और जो x3 है उसको भी हम कोई आर्बिट्री वैल्यू जो है असाइन कर देंगे, लेट्स से x3 की वैल्यू क्या है c है। ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी आर्बिट्री वैल्यू असाइन करने के बाद x2 x3 की वैल्यू आप आंसर आपके पास ये वाले बन जाएंगे, और जो x1 होगा उसका आंसर क्या बनेगा, ये वैल्यू वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट कर दें x2 x3 की जगह, तो x1 की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, x1 = -x2 की वैल्यू आपके पास b है, और -1/2, और x3 की वैल्यू आपके पास क्या है वो c है। तो ये आपके पास जो है x1 x2 x3 की वैल्यू जो है बन जाएंगी लैम्डा इक्वल 1 के केस में, ये आपके पास जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा लैम्डा इक्वल टू 1 के केस में, और ये आपके पास क्या है उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का लैम्डा इक्वल 1 के केस में सोल्यूशन होगा, और ये जो सोल्यूशन है आपके पास ये लैम्डा इक्वल टू 10 के केस में सोल्यूशन होगा, ये वाला दोनों ही नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, जो कि लैम्डा इक्वल टू 1 और लैम्डा इज इक्वल टू 10 के केस में मिलते हैं, उसके अलावा लैम्डा की किसी और वैल्यू के केस में आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, सारे रियल नंबर को चेक किया है, पहले हम लोगों ने 1 के अलावा जितने भी रियल नंबर थे उनको चेक किया, तो हमें पता चला कि अगर लैम्डा की वैल्यू 10 हो तब हमें जो है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने फिर 1 को भी चेक किया तो हमें पता चला कि 1 में भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें मिलता है। तो इसका मतलब सारे के सारे रियल नंबर में हमें जो है वो लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे और लैम्डा इज इक्वल जो है वो 10 पे, इन दो रियल नंबर पे हमें जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन जो हमें दी गई है एग्जाम्पल में, उनका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो मिलता है। और उसके अलावा अगर आपके पास लैम्डा जो है वो 1 ना हो और लैम्डा आपके पास 10 ना हो, तो ये जब उसके अलावा कोई और लैम्डा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो उस केस में आपको सिस्टम का जो है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो सिर्फ दो ही रियल नंबर ऐसे हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 और लैम्डा इज इक्वल टू 10, जिनके केसेस में आपको जो है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। और लैम्डा इज इक्वल टू 1 और लैम्डा इज इक्वल 10 के अलावा, मीन्स के लैम्डा 1 भी ना हो लैम्डा 10 भी ना हो, बाकी कोई और रियल नंबर हो, तो उस केस में आपको जो है वो सिस्टम हम जो हमें गिवन सिस्टम दिया गया उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है, मींस x1 x2 x3 तीनों अननोन्स की वैल्यू जो है आपको जो है वो 0 0 0 ही मिलेंगी। ठीक है, तो ये था एक्चुअल क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 में जो हमें गिवन दिया गया था कि हमने वो लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करनी थी, जिन वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे पुट करें यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में तो हमें जो है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले। तो अगर यहाँ पे जो लैम्डा इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे पूरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में और मुझे क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे हम लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करके नई इक्वेशन बनाते हैं या लैम्डा इक्वल टू 10 पुट करके नई इक्वेशन बनाते हैं, जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा। उसी तरह अगर आप लैम्डा इक्वल टू 1 और 10 के अलावा कोई और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कोई और रियल नंबर कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट करके आप जो है वो नई इक्वेशन बनाएंगे, फिर उन इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो उस केस में जो है आपको जो है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि आपको x1 की वैल्यू भी 0 मिलेगी, x2 की वैल्यू भी 0 मिलेगी, और x3 की वैल्यू भी जो है वो 0 मिलेगी। तो ये जनरली जो है वो रियल नंबर में जो आपको देखते हो हमने जो है वो लैम्डा की वैल्यू जो है वो बता दी है कि लैम्डा की कौन कौन सी वैल्यू उसके केस में जो है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो भी मिलता है वो हम लोगों ने इवैल्यूएट करके ही बता दिया इस एग्जाम्पल के एंड पे। ये वाली एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में की थी,
नेक्स्ट हम लोगों ने जो एग्जांपल करनी है वो है एग्जांपल नंबर 6 जो कि एप्लीकेशन से रिलेटेड है स्टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेकिन ये एग्जांपल करने से पहले मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप लोग पता चल जाए कि आप लोगों ने एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो आप लोगों ने कंसिस्टेंसी क्राइटेरियाज तो पढ़े हुए हैं डिटेल के साथ, मैंने आप लोगों को बताए हैं प्रीवियस दो जो लेक्चर हम लोग हमारे जो हुए हैं वो कंसिस्टेंसी क्राइटेरियाज के ऊपर ही हुए हैं। तो हम लोगों ने कंसिस्टेंसी क्राइटेरियाज को माइंड में रखते हुए नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 4 के जो क्वेश्चन है इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये तीन क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो है पहले करने के लिए दिए थे। अगर आप लोगों ने किए हुए हों ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 है इनके सोल्यूशन जो है आप लोगों को यूनिक सोल्यूशन जो है वो मिल जाती हैं नंबर्स की फॉर्म में। x1 की कोई वैल्यू मिल जाती है, x2 की कोई वैल्यू मिल जाती है। इसी तरह ये जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसके केस में भी आपको जो है वो x1 x2 या x3 जो भी अनोन वैल्यू हो रहे हैं आपको उनकी जो है वो नंबर्स वाइज जो है वो यूनिक आंसर जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन जो बाकी और उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका भी आपको जो है वो यूनिक आंसर जो है वो मिल जाएगा। लेकिन जो बाकी क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास और क्वेश्चन नंबर 7 है, ये जो क्वेश्चन है इनके अगर आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आपको जो है सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जब आप जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको जो है इसका सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उस केस में जो आपका जो मैट्रिक्स ए होगा उसकी रैंक जो है वो जो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी रैंक के इक्वल नहीं मिलेगी। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन मेथड तो जब आप इन दी एंड आप मैट्रिक्स जो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी होगा जो कि आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख के बनाना होता है उसको जब आप जो है वो सिंप्लीफाई करके या चेंज करके रिड्यूस एक्शन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करने के बाद जब आप ए और ए बी की रैंक फाइंड आउट करेंगे तो मैट्रिक्स ए की रैंक जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो ए बी है उसकी रैंक के इक्वल नहीं होगी। तो अगर आप जो है कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया को देखें जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो अगर मैट्रिक्स ए की रैंक जो है वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन केस में जो है वो मैट्रिक्स ए की रैंक अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो ए बी है उसकी रैंक के इक्वल ना हो उस केस में आपका सिस्टम जो है वो इनकन्सिस्टेंट होता है। इनकन्सिस्टेंट मीन्स आपको सोल्यूशन जो है वो सिस्टम का नहीं मिलता। तो एग्जाम्पल नंबर 7 को आप लोगों ने सारा उम्मीदा किया होगा, मैंने आपको दिया था ये वाला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7 के केस में आपको जो है वो सोल्यूशन जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो है नहीं मिलेगा। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके केस में आप देखेंगे कि उस केस में आपका जो मैट्रिक्स आर है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी है उसकी रैंक और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक ये दोनों की रैंक जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के केस में क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। तो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के केस में अगर आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए की रैंक आपस में इक्वल हो तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर आपस में इक्वल ना हो तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो एग्जांपल नंबर 7 में रैंक दोनों की आपस में इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो रैंक दोनों की आपस में इक्वल है इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और उसके अलावा जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो दो केसेस बन जाते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या इनफिनिटी सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया को देखिए नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में तो अगर आपके जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आती है तब आपका जो है वो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अगर मैट्रिक्स जो ए है उसकी रैंक जो है स्ट्रिक्टली लेस देन नंबर ऑफ अननोन से तब आपको जो है वो इनफिनिटी सॉल्यूशन जो है मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के केस में आपके मैट्रिक्स जो ए है उसकी रैंक अगर मैट्रिक्स के इक्वल है तो ना आपको जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा। और उसके अलावा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप नोट करेंगे तो जो मैट्रिक्स ए है उसकी जो रैंक होगी वो क्या होगी स्ट्रिक्टली लेस देन होगी नंबर ऑफ अननोन से। यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, जो मैट्रिक्स ए की रैंक होगी वो 5 से स्ट्रिक्टली लेस होगी। तो यहाँ से भी आपको कन्फर्म हो जाएगा आपके उसको आपको जो है वो इनफिनिटी सॉल्यूशन जो है मिलेंगे। इनफिनिटी सॉल्यूशन मीन्स आपको कुछ एक दो अननोन को जो है वो खुद से आर्बिट्रेरी जो है सपोज करके लेट करके लेट से x4 इज इक्वल टू ए एंड x5 इज इक्वल टू बी इस तरह उनको आर्बिट्रेरी वैल्यू जो है साइन करके फिर जो आपको इन दी एंड जो है अपना सोल्यूशन जो है लिखना पड़ेगा। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन करने हैं वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोगों ने यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको स्किप कर देना, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको रहने दे ये नहीं करना। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर
वन, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर फाइव। ये जो चार क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट करते हैं, और ये इन चार क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर फोर और सिक्स मैंने आप लोगों को पहले करने के लिए दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने वो कर लिया होगा। तो ये अब आप लोगों को फिलहाल करने वाला काम नहीं है क्योंकि आप लोगों ने पहले कर लिया है। अब आप लोगों ने जो काम करना है वो ये करना है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करना है, जिसमें आपको सोल्यूशन तो मिलेगा लेकिन इनफिनिट सोल्यूशन मिलेंगे। और आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो अगर किसी ने नहीं किया तो वो करना है, इसमें आपको जो है सोल्यूशन जो है वो नहीं मिलेगा। उसने नहीं मिलेगा क्योंकि मैट्रिक्स ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो ए बी है उन दोनों की रैंक क्या होगी आपस में इक्वल नहीं होगी, तो आपका क्वेश्चन जो है वही भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल करनी थी हम लोगों ने वो थी एग्जांपल नंबर सिक्स। एग्जांपल ये है, द हाउसिंग डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट प्लान्स टू अंडरटेक फोर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, लिस्ट मटीरियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द हाउस इन ईच ऑफ द प्रोजेक्ट्स एज फॉलोज। कह रहा है कि गवर्नमेंट का कोई हाउसिंग जो डिपार्टमेंट है उसने जो है वो कुछ चार तरह के जो घर जो है वो बनाने हैं, चार घर नहीं बनाने, चार तरह के जो है वो घर बनाने हैं, जिसको उन्होंने प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट टू, प्रोजेक्ट थ्री और प्रोजेक्ट फोर का नाम दिया हुआ है। ये चार तरह के जो है ना घर बनाने हैं, किसी में ज़्यादा कह ले कि मटीरियल इस्तेमाल होगा, किसी में कम मटीरियल इस्तेमाल होगा, किसी में पेंट जो ज़्यादा इस्तेमाल होगा, किसी में कम इस्तेमाल होगा। तो चार तरह के जो है वो डिफरेंट हाउसिंग जो है वो प्रोजेक्ट्स जो बनाने हैं, चार घर नहीं बनाने, याद रखना, चार तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जिसमें एक तरह का एक तरह के जो है वो कुछ घर बनाने हैं, प्रोजेक्ट टू में दूसरी तरह के कुछ घर बनाने हैं, प्रोजेक्ट थ्री में तीसरी तरह के कुछ घर बनाने हैं, और प्रोजेक्ट फोर में ए जो है वो एक तरह के कुछ घर बनाने हैं। तो चार डिफरेंट टाइप के जो है वो कुछ कुछ घर बनाने हैं, कितने कितने बनाने हैं ये हमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ हाउसेज बिल्ड फॉर ईच प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट के ईच प्रोडक्ट प्रोजेक्ट में जो है वो कितने कितने घर बनेंगे, जब आपको जो है वो मटेरियल की क्वांटिटी जो है वो जो आपने यूज़ करनी है वो फिक्स जो है वो क्वांटिटी दी गई हो। उसके अलावा ये भी बताया गया यहाँ पे कि जो प्रोजेक्ट वन टाइप का घर है उसमें जो है वो एक घर में जो है वो कितना मटेरियल जो है वो पेंट का, वुड का, ये जो भी चीज़ें हैं वो यूज़ होती हैं। इस तरह प्रोजेक्ट टू, प्रोजेक्ट थ्री और प्रोजेक्ट फोर, ये जो चारों प्रोजेक्ट्स हैं, चारों प्रोजेक्ट में डिफरेंट जो है वो क्वांटिटी में जो है मटेरियल यूज़ होंगे, डिफरेंट मटेरियल, पेंट, वुड वगैरह। तो हर प्रोजेक्ट में हर मटेरियल के जो है वो कितनी कितनी क्वांटिटी जो है वो एक एक घर के लिए यूज़ होगी वो यहाँ पे बताई हुई है। आप लोगों ने ये बताना है कि अगर आपको टोटल क्वांटिटी हर मटेरियल की बताओ, जैसे पेंट की बताओ टोटल हमारे पास इतनी क्वांटिटी है, उसके अलावा लकड़ी की, वुड की, ब्रिक्स की, तो जितने भी जो टोटल चार प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं तो हर प्रोजेक्ट में जो है वो इन टोटल मटेरियल की क्वांटिटी को यूज़ करते हुए कितने कितने घर जो है वो बन सकते हैं, ये हम लोगों ने बताना है। तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट में आपकी मटेरियल यूज़ हो रहा है वो एक तो पेंट यूज़ हो रहा है, दूसरा वुड लकड़ी यूज़ हो रही है, ब्रिक्स ईंटें यूज़ हो रही हैं और लेबर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हर प्रोजेक्ट में कितना कितना पेंट, वुड वगैरह यूज़ हो रहा है वो भी उन्होंने बताया हुआ है। कि जो प्रोजेक्ट वन टाइप के घर हैं उनमें अगर आपने जो है वो एक घर बनाना है तो उसके लिए आपको जो है वो जो गैलन जो है वो पेंट का लगेगा वो क्या होगा, 100 गैलन जो है वो आपको पेंट के लगेंगे। यहाँ पे इन 100 गैलन का मतलब लिखा हुआ है कि आपको जो ये पेंट का जो बताया हुआ ये वाला वन का मतलब ये है कि इन 100 गैलन में कि आपका जो प्रोजेक्ट वन का जो जिसमें घर बनेंगे उसमें एक घर के लिए आपको जो है वो 100 गैलन जो है पेंट यूज़ होगा, और जो प्रोजेक्ट टू टाइप का घर टाइप के घर होंगे उनमें एक घर के लिए 200 गैलन जो है वो पेंट यूज़ होगा, प्रोजेक्ट थ्री के लिए 100 गैलन जो है वो पेंट यूज़ होगा, जो प्रोजेक्ट फोर है उसमें एक घर के लिए जो है वो 1.500 गैलन जो है वो पेंट यूज़ होगा। इस तरह लकड़ी जो है आप लोगों को जो है वो 10,000 जो है क्यूबिक फीट में जो है वो उस स्केलिंग में जो है वो गिवन दी गई है, बताई गई है कि कितनी लकड़ी जो है वो हर प्रोजेक्ट में यूज़ होगी एक घर के लिए। तो 10 को अगर हम जो है 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 30,000। तो 30,000 क्यूबिक फीट वुड जो है वो प्रोजेक्ट वन के एक घर के लिए यूज़ होगी, और उसके अलावा 40,000 क्यूबिक फीट जो है वो लकड़ी जो है वो प्रोजेक्ट टू के लिए यूज़ होगी। इस तरह 2.5 × 10 उसको मल्टीप्लाई 10,000 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी लकड़ी क्यूबिक फीट लकड़ी जो है वो प्रोजेक्ट थ्री टाइप का घर है उसके लिए यूज़ होगी, उतनी जो है वो प्रोजेक्ट फोर टाइप के घर के लिए यूज़ होगी। इस तरह जो ईंटें हैं ब्रिक्स इन मिलियंस में आपको बताई हुई हैं कि जो प्रोजेक्ट वन है उसमें पहले घर के लिए 1 मिलियन जो है ब्रिक्स यूज़ होंगी, दूसरे के लिए 2 मिलियन,
तीसरे के लिए 1.5 मिलियन एंड सो ऑन। इसी तरह जो लेबर है इन 1000 आवर्स, तो लेबर जो है वो 10,000 आवर जो है वो वर्क करेगा एक 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 घर बनाने के लिए, दूसरा घर बनाने के लिए, दूसरे टाइप का घर बनाने के लिए भी 10,000 आवर जो वर्क वर्क करेगा। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट थ्री टाइप का घर है वो बनाने के लिए 9,000 आवर जो है वो लेबर जो है वर्क करेगा एक घर बनाने के लिए, याद रखना एक घर बनाने के लिए। उसी तरह ये प्रोजेक्ट फोर टाइप का जो घर है उसको बनाने के लिए जो लेबर है 8,000 आवर जो है वो एक घर बनाने के लिए वर्क करेगा। तब वो कहते हैं कि अगर आपके पास जो है वो टोटल पेंट जो है वो 68,000 गैलन पेंट हो आपके पास, उसके अलावा जो लकड़ी है वो आपके पास हो 1,14,20, ये जितना ही बनता है नंबर इतने क्यूबिक फीट जो आपके पास जो है वो लकड़ी हो, उसके अलावा 64 जो है मिलियन आपके पास जो है ब्रिक्स हो, और इतने आवर्स जितने भी लिखे हुए हैं इतने आवर्स जो है लेबर आपके पास जो अगर आप काम कर सकता हो, तो ये बताएं कि टोटल कितने घर जो हैं वो हर प्रोजेक्ट के जो है बन सकते हैं। तो एक एक घर की इन्फॉर्मेशन बताई गई है, हमें बताना है कि कितने कितने घर जो है बन सकते हैं। अब क्योंकि हमें नहीं पता कि हर प्रोजेक्ट के कितने घर बन सकते हैं, तो हमने कह दिया कि लेट्स जो है वो जो प्रोजेक्ट वन टाइप का घर है उसके X1 घर बनते हैं, X1 नंबर ऑफ घर बनते हैं, और जो प्रोडक्ट टू टाइप के घर हैं उसमें जो है वो X2 नंबर ऑफ घर बनते हैं हाउसेज बनते हैं, और जो प्रोजेक्ट थ्री है उसमें X3 नंबर ऑफ हाउसेज बनते हैं, और जो प्रोजेक्ट फोर है उसमें X4 नंबर ऑफ हाउसेज जो है बनते हैं। तो अब हमने अपनी इक्वेशन बनानी है, एक घर जो प्रोजेक्ट वन का अगर एक घर बनाना हो तो उसके लिए हमें कितना लगता है 1 गैलन जो है वो पेंट लगता है। तो अगर हमने X1 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट वन के घर बनाने हाउसेज बनानी हो तो उसके लिए हमें X1 × 1 जो है इतने 1 गैलन जो है वो पेंट लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमने जो है वो X2 नंबर ऑफ हाउसेज बनाने हैं प्रोजेक्ट टू टाइप के, तो उसके लिए हमें कितना पेंट लग रहा है, उसके लिए हमें जो है वो 200 गैलन जो है पेंट लग रहा है। तो अगर टोटल हमने जो है एक घर बनाने के लिए हमें जो है वो 200 गैलन हाउस 100 गैलन जो है वो पेंट लग रहा है, अगर हमने जो है प्रोजेक्ट टू टाइप के X2 नंबर ऑफ हाउसेज बनाने हो तो उसके लिए हमें जो है वो 2 × X2 इतने 100 गैलन जो है वो पेंट में जो है वो लगेगा। इस तरह प्रोजेक्ट थ्री के लिए हमें 1 × X3 इतने गैलन जो है वो पेंट लगेगा, और प्रोजेक्ट फोर के लिए एक घर बनाने के लिए हमें जो है 1,500 गैलन जो है पेंट लग रहा है, तो 1,500 × 100 गैलन जो है पेंट हमें लग रहा है एक घर बनाने के लिए। तो अगर हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट फोर के X4 नंबर ऑफ हाउसेज हों तो X4 नंबर ऑफ हाउसेज बनाने के लिए हमें जो पेंट लगेगा वो लगेगा 1.5 × X4 इतना, जितनी भी क्वांटिटी बन रही है इतने नंबर ऑफ गैलन जो है हमें पेंट जो है वो इतने 100 गैलन जो है पेंट हमें जो है लगेगा ए ओवरऑल जो है वो प्रोजेक्ट फोर के सारे घर बनाने के लिए। सभी का अगर हम लोगों ने आपस में ऐड किया जितना भी पेंट जो है सारे घर बनाने के लिए लगना है, और हमारे पास पेंट है कितना, हमारे पास पेंट है टोटल 6,800 गैलन्स, ठीक है। तो क्योंकि हम जो है वो 100 में जो है 100 की बजाय सिर्फ 100 की बजाय 1 यूज कर रहे हैं, 200 की बजाय 2 यूज कर रहे हैं, इसलिए 6,800 की जगह हम जो है 68 ही यूज करेंगे। तो ये हमारे पास जो है पेंट की क्वेश्चन बन गई है। इसी तरह आप जो है आपने वुड की भी क्वेश्चन बननी है, जो प्रोजेक्ट वन टाइप का एक घर है उसका एक घर बनाने के लिए हमें जो है वो 3×10,000 इतने जो है क्यूबिक फीट लकड़ी लगती है। तो अगर हमारे पास प्रोजेक्ट वन टाइप की X1 नंबर ऑफ हाउसेज हों तो एक बनाने के लिए अगर हमें इतनी लकड़ी लगती है वुड, तो X1 नंबर ऑफ घर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 3×X1 इतने क्यूबिक फीट जो है हमें जो है वो प्रोजेक्ट X1 टाइप के घर जो है वो सारे बनाने के लिए लकड़ी लगेगी। वो 3×1 ये 10,000 क्यूबिक फीट में लिखा हुआ है, ठीक है। एक घर के लिए अगर हमें 3×10,000 यानी कि 30,000 क्यूबिक फीट लकड़ी लगती है, तो टोटल X1 नंबर ऑफ घर बनाने के लिए हमें 3×1×10,000 जो है वो इतनी क्यूबिक फीट जो लकड़ी लगेगी। हमने जो अपनी क्वेश्चन बनाई हुई है हमने जो है वो जस्ट जो है वो 10,000 की बजाय वो 3 में बनाई हुई है, क्योंकि हमें जो डाटा दिया गया है वो भी 10,000 की बजाय यहाँ के लगे 30,000 की बजाय जो है वो 3 में दिया हुआ है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट 2 के लिए लकड़ी लगती है वो 40,000 क्यूबिक फीट लगती है, लेकिन हमें उसकी जगह जो है 4 दिया हुआ है, तो हमने भी क्या करना है वो 40,000 की जगह 4 लिखना है, 30,000 की जगह 3 लिखना है। इस तरह जितनी हमें लकड़ी दी गई है यहाँ पे ये वाली 1, 4, 2 आगे दो जी, इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम जो है सिर्फ क्या करेंगे 142 ही जो है वो यूज करेंगे। यहाँ पे जो ये जो 4 जीरो आ रहे होते हैं, कहने का मतलब ये 4 जीरो आ रहे हैं, इसको खत्म करके सिंपली जो है वो अगर एक मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 आएगा, अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 30,000 बन जाएगा। 30,000 में हम क्या करेंगे एंड वाले 4 जीरो खत्म कर देंगे तो आपका जो है वो 3 आ जाएगा। 40,000 में 4 जो है वो आपके पास जो है अगेन जो है वो आपके जो एंड वाले 4 जीरो आएंगे उनको खत्म करके आप जो है सिर्फ 4 लिखेंगे।
इसी तरह टोटल आपके पास जो ये जो 142 उसके बाद जो चार जीरो आ रहे हैं आप क्या करेंगे इनको ख़त्म कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे सिंगली क्या आ जाएगा 142 आ जाएगा और आपकी क्वेश्चन जो है वो इन टर्म्स ऑफ योर 10,000 फीट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो ये आपके पास वुड की क्वेश्चन बन जाएगी। इस तरह आप ब्रिक्स की भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ब्रिक्स की क्वेश्चन आपको मिनट्स में दी हुई है, एक घर बनाने के लिए 1 मिलियन लगता है तो X1 नंबर ऑफ घर बनाने के लिए X1 × 1 इतने मिलियन जो है ब्रिक्स लगेंगी। एक घर बनाने के लिए प्लाजा 2 टाइप का घर बनाने के लिए आपको 2 मिलियन जो है वो ब्रिक्स लगती हैं। तो अगर आपके पास प्लाजा 2 टाइप के X2 नंबर ऑफ घर हैं हाउसेज हैं तो आपको जो है उसके लिए जितनी कितने मिलियन जो है वो ब्रिक्स लगेंगी 2 × X2 इतनी मिलियन जो है आपको ब्रिक्स जो है वो लगेंगी। इस तरह टोटल कितने मिलियन ब्रिक्स हमारे पास दी गई हैं 64 मिलियन ब्रिक्स दी गई हैं। तो हमें जो आंसर सिंपली क्या लिखेंगे 64 ही लिखेंगे। ठीक है तो मिलियन में ऐसा दिया है लेकिन हमने जितने मिलियन है सिर्फ उतने मिलियन वाला नंबर ही लिखेंगे यहाँ पे। इस तरह लेबर आर जो है वो 1000 में है तो यहाँ पे एक घर पहला घर बनाने के लिए 10 जो है वो 1000 जो है वो आर्स लगते हैं। सिंपली कहना कि 10 जो है वो आर जो है इन्वॉल्व होते हैं आर 10,000 टेन आर जो है वो 1000 में जो है वो 10 आर जो इन्वॉल्व होते हैं घर बनाने के लिए। तो अगर आपने एक्स वन नंबर ऑफ हाउसेज बनाने हैं तो आपके पास टोटल कितने आज लगेंगे एक्स वन नंबर ऑफ हाउसेज बनाने के लिए वो 10 × X1 और 1000 में इतने के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इतने आर जी आपको लगेंगे एक्स वन नंबर ऑफ हाउसेज जो है वो बनाने के लिए। इस तरह आप एक्स टू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स टू के केस में 10 लिखा हुआ है। एक्स थ्री को नंबर ऑफ हाउसेज को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह प्रोजेक्ट 4 टाइप का जो घर है उसको बनाने के लिए हमें जो है वो 8 × 1000 इतने आर्स लगते हैं। तो अगर आप लोगों ने X4 नंबर ऑफ हाउसेज बनाने हैं टोटल तो उसके लिए आपको क्या कितने आर्स लगेंगे 8 × X4 और ये आपके पास ये आगे हो जाएगा 1000 आर में ये आपकी क्वेश्चन बन जाएगी ये वाली। टोटल कितने आर्स हमारे पास हैं 448,000 आर्स हैं हमारे पास लेकिन हमने क्या करना है क्योंकि हमारी क्वेश्चन 1000 आर में पहले से बन रही है हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ 448 ही लिखेंगे 1000 जो नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ये आपके पास जो सिस्टम और लीनियर इक्वेशन जो आपकी बन जाएंगी जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स को जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन दी गई थी कि एक एक घर बनाने के लिए हर टाइप का प्रोजेक्ट का घर बनाने के लिए कितने कितना जो है मटेरियल यूज़ होता है और टोटल हमारे पास जो कितना मटेरियल जो है हम यूज़ कर सकते हैं उस डाटा को हम लोगों ने जो सिस्टम और लीनियर इक्वेशन में जो ट्रांसफॉर्म कर लिया है और रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि हमारे पास इतना ही पेंट है और इतना ही जो है वो क्यूबिक फिट लकड़ी है इतना ही मिलियन ब्रिक्स हैं इतने ही आर्ट्स हैं काम करने के लिए। अब बताएं इतना इतना मटेरियल यूज़ करते हुए हमें जो है वो कितने कितने प्रोजेक्ट 1, 2, 3 और 4 के जो है घर जो है हमारे पास बन सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है X1, X2, X3, X4 ये जो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं इनकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इक्वेशन कह रहा हूँ इनके आंसर जो है फाइंड आउट करने हैं। अगर ये रिस्ट्रिक्शन आपके पास लगी हुई हो तो अब तब आप जो है वो X1, X2, X3 और X4 जो अननोन इनकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं आपके पास तो इनकी वैल्यूज आप लोग फाइंड आउट करें आपको पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट 1 टाइप की आप कितने घर बना सकते हैं वो आपको X1 की वैल्यू बताएगी। प्रोजेक्ट 2 टाइप की आप कितने घर बना सकते हैं वो आपको X2 की वैल्यू बताएगी। इस तरह X3 और 4 जो है आपको प्रोजेक्ट 3 और 4 के कितने घर बन सकते हैं उनकी वैल्यूज यह बता देगा। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है आपको सॉल्व करना आता है जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दी गई है उनको लेके आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं। उसके बाद इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आपने क्या करना है रिड्यूसेशनल फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्म करना है वो यहाँ पे किया हुआ है आसान ही है पॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहे आप जो है वो कलम वाइज मूव करते हुए अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो है वो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब आप अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो मैट्रिक्स को देखते हुए आप लोगों ने जो इक्वेशन एक्स बनानी है ताकि आप लोगों को जो है वो सोल्यूशन मिल सके। तो पहली इक्वेशन आपको बता रही है X1 = 10 तो यहाँ से X1 के लिए आपको जो है 10 मिल जाएगी। दूसरी इक्वेशन से आपको X2 की वैल्यू जो है 8 मिल जाएगी। तीसरी इक्वेशन से आपको X3 की वैल्यू जो है वो 12 मिल जाएगी और फोर्थ इक्वेशन से आपको X4 की वैल्यू जो है 20 मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको ये बात चल जाएगा कि अगर आपके पास जो मटेरियल आपको गिवन दिया गया है लिमिट में एक दिया गया है कि इतना इतना मटेरियल आपके पास मैक्सिमम मौजूद है और आपको ये बताया कि एक हर तरह के घर को बनाने के लिए कितना कितना टाइम और मटेरियल जो है लगता है तो उसको अगर आप माइंड में रखते हुए अपनी कंडीशन को जो है माइंड में रखते हुए उनको यूज़ करते हुए अगर आपने ये पता करना हो कि आप जो है इन दी एंड जो है वो कितने घर जो है हर प्रोजेक्ट के मैक्स जो है बना सकते हैं तो ये है कि सारे के सारे मटेरियल को यूज़ करते हुए आप जो है वो टाइम को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं जो 10 घर हैं वो प्रोजेक्ट 1 टाइप के बना सकते हैं और जो प्रोजेक्ट 2 टाइप के हैं वो 8 घर बना सकते हैं और प्रोजेक्ट 3 टाइप के जो हैं वो 12 घर बना सकते हैं और जो प्रोजेक्ट 4 टाइप के घर जो हैं वो आप जो है वो 20 घर जो है बना सकते हैं। तो ये आप क्या कह लेके
रियल लाइफ में एक एप्लीकेशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, जो कि आप जो है फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में यूज़ कर सकते हैं, पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपके पास टोटल इतने पैसे एक घर के लिए लग रहे हैं, दूसरे घर के इतने लग रहे हैं, तो सभी घरों के लिए कितने पैसे लगेंगे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो आप क्या कर सकते हैं, इन तरह के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूज़ करते हुए। तो ये आपके पास एक तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की एप्लीकेशन स्टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लेक्चर का टाइम जो है ख़त्म हो गया, फिर बाकी जो भी हम लोगों को हम लोगों ने पढ़ना है फिर वो नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।